हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th। 11th की केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। आप सभी ने, जिन बच्चों ने साइंस लिया है, उनके तीन सब्जेक्ट होने वाले हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, एंड ऑफ कोर्स हिंदी एंड इंग्लिश ये भी हैं। बट हम जो इस लेक्चर में कवर करेंगे वो केमिस्ट्री कवर करेंगे, और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे जो कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। देखिए, केमिस्ट्री की बात करूं तो ये 10th वाले जो बच्चे अब 11th में आए हैं उनके लिए केमिस्ट्री कुछ भी नया नहीं है। केमिस्ट्री को हिंदी में हम बोलते हैं रसायन, और केमिस्ट्री जो होती है उसे हम रसायन विज्ञान भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री क्या है, तो देखिए, आप सारे 7th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। 7th में आप पढ़ते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। फिर अगर थोड़ी हायर क्लासेस में आते हैं 8th में, तो आप पढ़ते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। फिर अगर आप थोड़ी और हायर क्लासेस में आते हैं तो आप पढ़ते हैं प्लास्टिक एंड फाइबर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आती हैं। तो 11th में कुछ भी नया नहीं है, बस कुछ जो चीजें हैं उनको हमें डीप से स्टडी करनी है। जैसे कि मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं कि जैसे वाटर होता है H2O, ठीक है, ये वाटर H2O से ही क्यों मिलकर बनता है, ये OH या फिर H2 क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्या होता है कि वाटर H2O से मिलकर बनता है। तो इन सारे क्वेश्चंस, या मैं बोलूं मैजिक ऑफ केमिस्ट्री जो है वो हमें 11th में पढ़ने को मिलेगी। केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आपको धीरे धीरे इसको करके समझना है, कुछ भी नया नहीं है। आज जो हम लेक्चर में कवर करेंगे वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन हम आज पढ़ेंगे। सारा आज जो आप पढ़ोगे वो सारा आपको कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे कि आप पिछली क्लासेस में इन्हें पढ़ चुके हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने सराउंडिंग में देखते हो कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है, मेज पर किताब रखकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपके सर के ऊपर फैन घूम रहा है गोल गोल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आसपास आपके सारी चीजें, आप खाना खा रहे हैं, खाना आपका पच रहा है, ठीक है, आप जितने भी विटामिन्स ले रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन सब का जो है मिक्सचर है। इन सब की जो है पूर्ण जानकारी आपको इन सारे आपके सराउंडिंग्स में ही मिल जाती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? केमिस्ट्री को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आसपास की जितनी भी गतिविधियां हैं, या मैं बोलूं आसपास की जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं, वो सब जो है कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेट करती हैं। तो इसलिए हमें केमिस्ट्री को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज अगर हम स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री की सबसे बात करूं सबसे जानी पहचानी यूनिट से, मैटर से। मैटर सबसे स्मॉल नहीं है, बट सबसे जाना पहचाना वर्ड है मैटर। अब मैटर किसको कहते हैं? मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग, जो भी चीज जिसका मास हो, और क्या हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। यानी कि कोई भी चीज जिसका कि मास हो और जो जगह घेरती हो, उसे हम बोलेंगे मैटर। मैं डेफिनेशन आपको लिखवाती हूं। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस कॉल्ड मैटर, ठीक है। मास हो और जो क्या ऑक्यूपाइड करती हो, स्पेस, उसे हम बोलते हैं मैटर। अब एग्जांपल लेते हैं मैटर के कौन से होते हैं। देखिए, आई मुझे पता है कि ये सारी चीजें आप पहली क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट अब जब क्योंकि हम 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सारी चीजें दोबारा से पढ़नी होंगी। और जो आपका ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, ये डिपेंड ही करता है आपकी सारी चीजों को वापस से आपकी आंखों के सामने ला देगा ये, ठीक है, और आपको आप केमिस्ट्री से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए, मैटर का मैंने बता दिया। अब एग्जांपल के तौर पे अब आपकी आसपास देखिए, आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं। आपके आसपास कुर्सी होगी, यानी चेयर होगी, टेबल होगी, ये जो बोर्ड है ये है, मैं लिख देती हूं व्हाइट बोर्ड, ठीक है। ये सब चीजें क्या है? मैटर है।
अब कैसे मैटर है, मैं बात करूं चेयर की, तो चेयर का मास भी है, यानी मास है उसका, वेट है उसका कुछ, और चेयर ने जगह भी घेर रखी है, तो चेयर क्या कहलाई, मैटर कहलाई। ऐसे ही टेबल का मास भी है और टेबल ने जगह भी घेर रखी है, तो क्या कहलाई, मैटर। ऐसे ही मैं बात करूं व्हाइट बोर्ड की, आप देखिए व्हाइट बोर्ड का मास है और व्हाइट बोर्ड ने पूरी ये जगह घेर रखी है, तो ये भी क्या कहलाता है, मैटर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर मैंने उनमें से कुछ आपके सामने लिए हैं। अब बात करें मैटर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली अगर मैं टाइप ऑफ मैटर की बात करूं, तो मैटर जो है मेनली, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, तो सिर्फ ये दो टाइप के होते हैं। तो चलिए मैटर को हम डिवाइड करते हैं। मैटर, मैटर के बारे में हमने जान लिया। मैटर मेनली दो टाइप का होता है, पहला मिक्सचर, दूसरा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, पहला होगा मिक्सचर, दूसरा होगा प्योर सब्सटेंस। अब एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये मिक्सचर क्या होता है, देखिए मिक्सचर को पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। आप घर में शिकंजी पीते, शिकंजी कैसे बनती है, पानी के अंदर हम चीनी मिलाते हैं, थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक मिला देते हैं और नींबू निचोड़ देते हैं, वो क्या बन जाती है, हमारी शिकंजी। उसे हम क्या कह सकते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर में कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो होते हैं वो मिल जाते हैं आपस में, और उनका वो मतलब किसी भी रेशियो में मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स मतलब है कि शुगर इतनी होनी चाहिए या पानी उतना होना चाहिए, ये किसी भी रेशियो में आपस में मिलते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर की अगर मैं डेफिनेट जो डेफिनेशन होती है, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, तो क्या है, अ मिक्सचर, आप लिख लीजिए चाहे तो, अ मिक्सचर That contain two or more substance in it, ब्रैकेट में लिखिए any ratio, ratio कोई भी हो सकता है। मिक्सचर क्या होता है, that contain two or more substance in it in any ratio, ठीक है, उसे हम बोलेंगे मिक्सचर। एग्जांपल मैंने आपको बता दी। ठीक है, वही बात करूं प्योर सब्सटेंस की, तो देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि जो सब्सटेंस होंगे वो एकदम फिक्स्ड जो है उनका रेशियो रहेगा, एकदम फिक्स्ड प्रपोर्शन में वो होंगे, फिक्स्ड रेशियो में वो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी भी रेशियो में वो होंगे। ठीक है, प्योर सब्सटेंस की अगर एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे कॉपर, ठीक है, सिल्वर, मैं इसको पूरा लिखती हूं ताकि आपको समझ में आए, कॉपर, सिल्वर। तो ग्लूकोज की अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं, तो देखिए कार्बन, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। तो देखिए इसके अंदर कार्बन अगर 6 है तो कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन अगर 12 है तो 12 होंगे, ऑक्सीजन 6 है तो 6 होंगे। तो ग्लूकोज में भी क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो मतलब हिस्सेदारी है वो एकदम फिक्स है। ठीक है, फिक्स प्रपोर्शन है, ऐसा नहीं कि वो किसी भी रेशियो में आपस में मिले हुए हैं। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अब मैं फर्दर इसको डिवाइड करूं, तो देखिए ये डेफिनेशन आप दोनों अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा, मैं इसको मिटा रही हूं डेफिनेशन को। देखिए अब अगर मैं बात करूं, मिक्सचर जो है आगे दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला पार्ट है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा है हेटरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और ये हो गया हेटरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, मिक्सचर मेनली दो पार्ट में होंगे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर।
अब आप देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखिए बात करें अगर होमोजीनियस मिक्सचर की, तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें कि इन होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब कि सपोज करिए होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कि मिक्स होने के बाद में जो उसका कंपोजिशन होता है वो पूरे सॉल्यूशन में देखिए एक बराबर रहता है। जैसे कि सुगर सॉल्यूशन, आप देखेंगे कि जब चीनी को हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो अच्छी तरीके से घुल जाता है और दूर से देखने पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता कि वो चीनी अलग है या फिर शुगर, या मैं बोलूँ पानी अलग है। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है वो सॉल्यूशन में हर जगह सेम होता है। आप शुगर का जो मीठापन है उसे आप किसी भी लेवल पर ऐसे नहीं कह सकते कि कम है या ज़्यादा है, मतलब आपको हर लेवल पर शुगर की जो कंपोजिशन है वो सेम मिलेगी, या शुगर और वाटर की कंपोजिशन सेम मिलेगी, यानी वो यूनिफॉर्म होगी पूरे सॉल्यूशन में। तो देखिए मैं एग्जांपल लिखती हूँ, शुगर वाटर सॉल्यूशन। तो आई होप आपको होमोजीनियस मिक्सचर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो इनका कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि सॉल्ट को मैंने शुगर में मिला दिया तो आप देखोगे कि आपको शुगर अलग दिख जाएगी और सॉल्ट अलग दिख जाएगी। ये मिक्स होने के बाद भी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होंगे और ये दूर से भी अलग अलग पहचान में आ जाते हैं, क्योंकि जो इनका कंपोजिशन है वो हर लेवल पर सेम नहीं होता। जैसे कि हमने होमोजीनियस मिक्सचर में देखा था कि आप जो शुगर का कंपोजिशन देखोगे वो सॉल्यूशन में हर लेवल पर सेम होता है, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि एक लेवल पे कम या एक लेवल पे ज़्यादा। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, उनका फेज भी सेम नहीं होता है। आप शुगर को और सॉल्ट को अलग अलग पहचान लेंगे, जो कि मैंने एग्जाम्पल लिया है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, शुगर एंड सॉल्ट का। आई होप आपको होमोजेनियस मिक्सचर भी समझ में आया हो और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी अच्छी तरीके से समझ में आया हो। कुछ नहीं है, होमोजेनियस मिक्सचर में सिर्फ इतना सा है कि अगर आप पानी में चीनी को मिलाते हैं घुलने के बाद में आप पता नहीं लगा सकते कि चीनी कहाँ है, हर जगह आपको सेम पता चलेगा कि सेम दिखाई देगा आपको कि भाई ये तो एक ही है, इतने अच्छे तरीके से वो घुल जाते हैं। हेट्रोजीनियस में दोनों अलग अलग ही रहते हैं, आप दूर से आराम से पता लगा सकते हो कि भाई ये चीनी और ये नमक है ना, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम चलते हैं प्योर सब्सटेंस की ओर। देखिए अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस जो है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो होगा एलिमेंट, एक होगा कंपाउंड, ठीक है। एक तो एलिमेंट में डिवाइड है, दूसरा है कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस। अब एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं मैं आपको अच्छी तरीके से समझाती हूँ। पहले मैं ये चीजें साइड में रब कर देती हूँ, एग्जाम्पल इसके रब कर रही हूँ, नाम रब नहीं कर रही हूँ। अब यहां पर अच्छी तरीके से लिखते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। एलिमेंट एंड कंपाउंड,
ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइडेड है प्योर सब्सटेंस। अब एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है? देखिए एलिमेंट प्योर सब्सटेंस में हम पढ़ेंगे एलिमेंट क्या होता है और फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड क्या होता है। बात करूं अगर मैं एलिमेंट की, तो देखिए एलिमेंट क्या होता है, जिसमें कि ओनली एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है एलिमेंट, ठीक है ना, इसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल्स जो हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना, आप नाइन्थ में पढ़ा था आपने चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि इट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एटम की बात करें तो लाइक आप देख लीजिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे हो गए मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट का आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूं कंपाउंड का। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, व्हेन, कब बनता है कंपाउंड, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस देन फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। मतलब कि क्या क्या अर्थ हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका, कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स वो भी डिफरेंट एलिमेंट्स के दो या दो से ज्यादा एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। अब चलिए एग्जांपल लेती हूं मैं आपको, एग्जांपल से आपको और समझ में आएगा। एग्जांपल लिया इसका जैसे कि वाटर H2O, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम है। कौन से एटम है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हमने यहां पर दो तो हाइड्रोजन लिए हैं और एक ऑक्सीजन लिया है। आपको पता है ऑक्सीजन भी अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी अलग एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लिया है, तो ये क्या कहलाया, कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे, ठीक है, और दो या दो से ज्यादा होंगे। तो आप देखो यहां पर हमने तीन एटम से मिलकर बनाया है इसको, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट होता है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड। ऐसे ही बात करें CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, यहां पर कार्बन एक अलग है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से या डिफरेंट टाइप ऑफ जो है एलिमेंट के एटम्स से मिलकर क्या बना है, कंपाउंड, ठीक है। तो आई होप आपको कंपाउंड समझ में आया होगा। अब एक चीज आपको मैं कंपाउंड के बारे में यही बता देती हूं कि आपको पता है, मैं अगर बात करूं H2O की बात करूं, आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस होती है, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब ये कंपाउंड बनाते हैं, जब ये क्या बनाते हैं, H2O, तो ये क्या मिलकर आता है, लिक्विड। कंपाउंड क्या बना, लिक्विड बना, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि कंपाउंड जिन एटम्स से मिलकर बन रहा है उसी फेज में ये रहे। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस थी या ऑक्सीजन गैस है तो जो H2O होगा वो गैस होगा, नहीं, वो क्या है, लिक्विड है। तो जरूरी नहीं है कि कंपाउंड जो मिलकर बन के आ रहा है वो अपने जो मेन सब्सटेंस है उसके जैसा हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पूरा हमने मैटर को आज क्लासिफाई कर लिया है। आई होप आपको सबकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आपने पिछली कक्षाओं में एक चीज और पढ़ी होगी, मैं इधर ही आपको बता देती हूं, स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर मैं आपको बबली बताऊं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC, ये आपने पहले पढ़ा था, ठीक है। मेनली हम क्या क्या पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, मेनली हम यही चीजें पढ़ते हैं। सॉलिड की और लिक्विड की और गैस की आपको प्रॉपर्टीज मैं मान के चल रही हूं कि आपको आती होगी। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में जो फोर्स होता है ना, जो उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो बहुत ही, मैं बोलूं इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें गैप ज्यादा नहीं होता। लिक्विड की बात करूं तो गैप जो है थोड़ा सा होता है कि वो मूव कर पाए। सॉलिड में तो पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पाते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस के मूव ही नहीं कर पाते हैं।
लेकिन मैं बात करूं गैस में तो इतने दूर दूर होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं कि वो आराम से मूव कर पाते हैं। मैं बात करूं सॉलिड में वॉल्यूम जो होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है और सॉलिड की शेप भी जो होती है वो भी एकदम फिक्स होती है। लिक्विड में वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती, जिस भी बर्तन में डालोगे वो उसी आकार का ले लेगा। गैस की बात करूं तो ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो उड़ जाता है, अगर आप नॉर्मल एयर में रखोगे तो वो तो उड़ जाएगी, तो कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ये मैंने क्यों बताया आपको स्टेट ऑफ मैटर क्विकली, क्योंकि ताकि आप इसे रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा, आप बिल्कुल भी केमिस्ट्री का लोड ना लीजिएगा, इसे रिलेट करते हुए पढ़िएगा, आराम से समझ में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो, आज के लिए थैंक यू सो मच।